आज हम MHI 9 के एक न्यू चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज़ क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ। इसमें हमें रिवोल्यूशनरी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके नेचर को देखना होगा। सबसे पहले वही आपका परिचय आएगा जिसमें आप बता देंगे कि 19th century का लास्ट था और 20th century की शुरुआत थी जब हमें ये एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। बेसिकली ये धार्मिक पुनरुत्थान की वजह से देखने को मिले एक्सट्रीमिस्ट, जो धर्म में सुधार हो रहे थे उन विचारों के कारण। अमेरिका में क्रांति हो रही थी, आयरलैंड में संघर्ष चल रहा था, इटली एक हो रहा था। मैजिनी और गैरिबाल्डी का जो नेचर था, उनके स्वभाव, उनके चिंतन के कारण, और रशिया पर जब जापान ने कंट्रोल कर लिया और ज़ार शासन का अंत हो गया, तो उस टाइम पे हमारे देश में इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा था और क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ बन रही थी। फिर बैकग्राउंड बता देंगे कि क्यों हुआ। तो कांग्रेस 1885 में बनी थी। पहले वो उदारवादी शिक्षित उच्च वर्ग के अंदर थी। धीरे धीरे उग्रवाद डेवलप हुआ क्योंकि धार्मिक पुनरुत्थान आ चुका था, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था, धर्म राजनीति का मेल होने लगा था। ज़्यादातर क्रांतिकारी नेता धार्मिक स्वभाव के थे, जैसे महाराष्ट्र में थे तिलक और सावरकर। तिलक ने भगवद्गीता के उपदेश, शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल मनाना, और सावरकर के विचार फैल रहे थे। वहीं पर अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में औरोबिंदो घोष थे और विवेकानंद थे और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इन सभी से प्रभावित होकर चापेकर भाई सामने आए। चापेकर भाई जो थे वो तिलक से प्रभावित थे और उन्होंने इसी वजह से हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनाई थी। फिर आप सावरकर के बारे में जिक्र कर देंगे कि सावरकर जो थे उन्होंने 1900 में मित्र मेला नामक संस्था बनाई और उसमें अपनी बैठक प्रकाशन वगैरह चालू करी। फिर आप जिक्र कर देंगे अपना प्रेमनाथ मित्र का, जिन्होंने अनुशीलन कमेटी बनाई। आनंद मठ का, जिन्होंने वंदे मातरम का जिक्र करा लिखा। मैजिनी से प्रेरणा ली। सावरकर ने मैजिनी की आत्मकथा मराठी में लिखी। हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार करा गया शुरुआत। फिर इसके बाद अपना टॉपिक चेंज करेंगे और आरंभिक विकास की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम लोग आरंभिक विकास की बात करें तो उस टाइम पे 23 दिसंबर 1907 को ढाका में एक पूर्व मजिस्ट्रेट थे, उनको मारने की कोशिश की गई। और फिर मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उन्होंने कोड़े मारने की सज़ा दी थी लोगों को, इस वजह से फिर उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद 1908 में बनारस में सच्चिदानंद सान्याल थे, जिन्होंने अनुशीलन कमेटी बनाई, यंग मैन एसोसिएशन के नाम से भी जानी जाती है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश की गई और ये भी छापा कि गीता हो, वेद हो, कुरान हो, कोई भी हो, बिना भेदभाव के मातृभूमि की रक्षा के लिए हम किसी को भी शत्रु का विनाश करेंगे। फिर मणिपुर में गेंदलाल दीक्षित थे। 1913 में हरदयाल थे, जो सैन फ्रांसिस्को चले गए, वहीं से उन्होंने गदर अखबार और गदर पार्टी चलाई। राजा महेंद्र प्रताप थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में एक अस्थायी सरकार बनाई और बरकतुल्ला खान वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो इन सभी के बारे में जिक्र कर दिया। फिर विचारधारात्मक प्रेरणा का उत्सव। विचारधारात्मक रूप से देखें तो धर्म निरपेक्षता थी। भूपेंद्र नाथ दत्त ने कहा था कि सिर्फ हिंदू शास्त्रों की शपथ मैं नहीं लूँगा, मैं सभी धर्मों, सभी शास्त्रों की शपथ लूँगा। क्रांतिकारी का ये नज़रिया आपको दर्शाएगा कि ये धर्म निरपेक्ष थे, धर्म को सिर्फ साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो धर्म का इस्तेमाल एक देश के लिए नहीं कर रहे थे। फिर आती है नई क्रांतिकारी चेतना की शुरुआत। वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसके बाद आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, टैक्सेस का बोझ बढ़ता जा रहा था, खेती हो, उद्योग हो, सब खराब स्थिति में थे। रोलर एक्ट आया, जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ, लोगों में राष्ट्रवादी चेतनाएँ जगी। गांधी ने ड्यूक ऑफ कनॉट को कहा कि अब हम इसके बारे में पूरी शिद्दत से अपनी मांग रखेंगे, बदला लेंगे। फिर असहयोग मूवमेंट शुरू किया गया। गांधी ने कहा कि हम 1921 में 31 दिसंबर तक आज़ादी ले लेंगे, लेकिन क्रांतिकारी एक साल तक इन गतिविधियों में उलझे रहे। चोरी चोरा कांड हुआ। फिर उसके बाद क्रांतिकारियों का भरोसा उठ गया। इनमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब क्रांतिकारी थे जिन्होंने भरोसा खोया। फिर स्थापना होती है
HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था वो सोवियत क्रांति से, समाजवाद से, सोशल जस्टिस से प्रभावित था, और उसने वर्ल्ड वॉर के बाद श्रमिक वर्गों को प्रभावित करा। ये यूपी और पंजाब के क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था। इसने गणतंत्र का सिद्धांत रखा और सबको वोट देने का अधिकार, मतलब वैसे ही डेमोक्रेसी की बातें, व्यवस्थाओं को ख़त्म करने जहाँ पे लोगों का शोषण किया जाता हो, और संविधान में इसके उद्देश्यों को रखा गया कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से राज्यों को एकजुट किया जाएगा, किसान मजदूरों के संगठन प्रतिबद्ध किए गए कि हम किसानों और मजदूरों के लिए बनाए गए हैं, भगवद गीता, आनंद मंट, अरविंद, विवेकानंद सबके विचारों से बहुत आगे, रशिया, फ्रांस, आयरिश क्रांतिकारियों के बारे में लोगों ने पढ़ा। मुख्य संपादक थे जोगेश चंद्र चटर्जी। फिर इनकी विचारधाराएं और कार्यक्रम क्या थी। इनकी विचारधाराओं की बात करें तो इन्होंने द रिवॉल्यूशनरी पैम्फलेट निकालकर बताया कि अराजकता एक नए तारे को जन्म देने के लिए ज़रूरी है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देशों का बढ़ाने के बारे में बातें की। इसके बाद काकोरी षड्यंत्र कांड था। काकोरी षड्यंत्र कांड में HRA जो था इसने ट्रेन डकैती को प्रमोट करवाई, जिसमें धन इकट्ठा करने की कोशिश थी। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथनाथ गुप्ता और बाकी लोगों ने मिलकर इस कांड को करा। लखनऊ के नज़दीक काकोरी ट्रेन रोकी गई और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने को लेकर भाग गए, जिनमें बाद में 4 लोगों को फांसी दी गई। इसके बाद आचार्य की गतिविधियां वगैरह हैं। फिर साइमन कमीशन और क्रांतिकारी। साइमन कमीशन आया 1928 का साल था। नेहरू ने मेंशन करा कि ये साल बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा है, यहाँ पर ट्रेड यूनियन के मूवमेंट देखने को मिल रहे थे, मजदूरों में जागरूकता आ चुकी थी। और फिर साइमन कमीशन जो था उसने भारत की राजनीतिक स्थिति की जांच करी। साइमन कमीशन ने भारत की राजनीतिक स्थिति को देखा। साइमन ने ये देखने की कोशिश की क्या हम लोग तैयार है या नहीं, लेकिन हमें इस बात का गुस्सा था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स आए थे। मुंबई में नारे लगाए गए, साइमन गो बैक। लाहौर में लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने युवा अंग्रेज पुलिस अधिकारी जो थे उन्होंने छाती पर मारा। लाहौर में लाला लाजपत राय थे, लेकिन पुलिस अधिकारी था एक युवा जिसने छाती पर डंडे मारे थे उनके, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो उनको हृदय रोग भी था। फिर HRA जो था उसने डिसाइड करा कि स्कॉट नामक ये जो व्यक्ति है इसको हम मारेंगे, लेकिन वो अपने पहले ही जान चुका था कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए वो प्रशिक्षण विद्यालय जो पुलिस का है, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, वहीं पे छुपा रहता था और मुश्किल ही बाहर निकलता था। फिर हमने डिसाइड करा HRA ने कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मारेंगे जो कि सैंडर्स था, तो सैंडर्स की हत्या कर दी गई। और फिर पर्चे बांटे गए राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर द्वारा। HRA ने लाल पर्चियाँ बांट कर बताया नौकरशाही को सतर्क कर रहे हैं, लाला की हत्या का बदला सैंडर्स से ले लिया गया है। बाद में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर वो रिहा हो गए थे। फिर असेंबली बम धमाका किया गया, पब्लिक सेफ्टी बिल पे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे, ये देखिए यहाँ लाहौर षड्यंत्र केस आएगा, जिसमें क्या होगा कि असेंबली बम धमाका किया जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा असेंबली बम धमाका होगा, फिर उसके बाद लाहौर का केस चलेगा। असेंबली बम धमाका जो था वो आपको पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे देखने को मिलेगा, जब बॉम्ब फेंका गया था बहुमत की आवाज़ को दबाने के कारण, जब हम भारतीय मना कर रहे थे फिर भी पास हुआ, तो नारा दिया गया उस टाइम पे, क्रांति अमर रहे, साम्राज्यवाद मुर्दावाद और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, भगत सिंह के द्वारा। इसके बाद HRA ने पर्चे बांटे जो कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी के वेलिएंट के उदाहरण से थे। बहरों को सुनाने के लिए हमने तेज़ आवाज़ में चिल्लाना पड़ता है। भगत सिंह ने अदालत को एक मंच की तरह यूज़ करा समाजवाद को प्रसार करने के लिए, वर्गविहीन समाज का लक्ष्य दर्शाने के लिए, और 12 जून को उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली क्योंकि उन्होंने राज्य के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया था।
फिर वहाँ से उन्हें लाहौर ले जाया गया जहाँ पे उन पे सैंडर्स को मारने का मुकदमा चला। फिर जब ये सैंडर्स का मुकदमा चला तो पूरे 2 साल चला और क्रांतिकारी जो थे उन्होंने न्यायालय का इस्तेमाल मंच के तौर पर करा। जेल में बेहतर परिस्थितियों की मांग करी वहाँ पर रहते हुए, भूख हड़ताल की, सरकार से इन अपराधियों के लिए अच्छा इंसान जैसा व्यवहार करने के लिए कहा। इनमें एक बंदे थे फेमस जतन दास, जिन्होंने 63 डेज तक की भूख हड़ताल की थी और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिर 23 मार्च को सतलुज नदी के किनारे पर भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई। फिर चिटगांव शस्त्रागार था, मतलब जब भगत सिंह जेल में थे उसी टाइम पर ही बंगाल में सूर्य सेन थे, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने टेलीग्राफ लाइन, ऑफिस, टेलीफोन, सब एक्सचेंज सब पे कब्जा कर लिया और कलकत्ता ढाका का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया। पर्चे बांट कर बताया कि ये हमने कराया और 1933 में उनको भी जेल और फांसी हो गई। फिर सम अप कर देंगे आप अपना बताकर कि गिरफ्तार वगैरह किया गया इस दौरान 1930s में, और झूठा प्रचार भी हुआ क्रांतिकारियों के ख़िलाफ़, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कोई भूल नहीं सकता है। इस तरह से हम पूरा का पूरा टॉपिक समझा देंगे। आई होप समझ आया होगा किस तरीके से आंसर लिखकर आना है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे, फिर आप इन क्रांतिकारियों का बैकग्राउंड समझाएंगे, फिर शुरुआती डेवलपमेंट कैसे था और उनकी विचारधारा के बारे में, फिर नई चेतना कैसे शुरू हुई इसमें HRA का रोल बताएंगे, फिर उसने कागोरी षड्यंत्र कांड को करा और साइमन कमीशन आया, असेंबली पर बम धमाका, लाहौर केस चला, फिर चिटगांव के बारे में बता दिया। ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आई होप समझ आया होगा। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर UGC NET UPSC, या फिर आप IGNOU की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं कोई भी, उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।